जम्मू कश्मीर के कुलगाम से खबर है। वहां पर दो जगहों पर मुठभेड़ हुई है आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की, और इन मुठभेड़ों में चार आतंकी मारे गए हैं, लेकिन हमारे दो जवान भी शहीद हुए। खबर यह भी मिल रही है कि उस इलाके में और आतंकी छुपे हो सकते हैं, और इसीलिए उनकी तलाश में वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम के ही दो इलाकों में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पहली तस्वीर है चुन्नागाम की और दूसरी तस्वीर मोदारगाम की, जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है। ये कुलगाम का चुन्नागाम इलाका है। रात के अंधेरे में जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ सेना को जानकारी मिलते ही इलाके को घेर लिया गया और फिर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कुलगाम में दो जगह एनकाउंटर चल रहा है, चुन्नागाम और मोदारगाम इलाके में मुठभेड़ जारी है। कुलगाम एनकाउंटर में अब तक चार आतंकी ढेर हो चुके हैं। आतंकियों की फायरिंग में दो जवान भी शहीद हो गए। कुलगाम के दोनों इलाकों में अभी कुछ और आतंकियों के होने की खबर है, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा है। बताया जा रहा है कि उनमें से एक आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। दरअसल कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकी बौखलाया है। फंडिंग की सप्लाई लाइन हो या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स का गठजोड़, आर्मी ने काफी कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ इलाके हैं जो अब भी इनके लिए हाइड आउट का काम करते हैं। हाथरस कांड में न्यायिक जाँच अब तेज हो गयी है। आज आयोग के सदस्य पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनके बयान दर्ज करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि इस मामले में अभी तक 8 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ वाले केस में बाबा का राइट हैंड गिरफ्तार हो चुका है। हाथरस की कोर्ट ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को जेल भेज दिया है। उसे फिलहाल अलीगढ़ की जेल में रखा गया है। हाथरस सत्संग हादसे के आरोपी सेवादार देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। मधुकर ही भगदड़ वाले सत्संग का मेन आयोजक था, और अब तक पुलिस हाथरस कांड से जुड़े 8 किरदारों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर हाथरस भगदड़ की जांच के लिए गठित 3 सदस्य न्यायिक आयोग ने भी जांच शुरू कर दी है। कल न्यायिक आयोग हाथरस पहुँचा और हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया। 121 मौत के बाद पहली बार बाबा सूरजपाल भी मीडिया के कैमरे पर आया। जितना बताया उससे कई ज्यादा छिपाया। जिन भक्तों के लिए वो भगवान था, उनकी मौत पर संवेदना जताने में बाबा को 90 घंटे लग गए। जांच एजेंसियों की 100 सवालों की लिस्ट तैयार है, जवाब सिर्फ बाबा सूरजपाल के पास है। यूपी पुलिस देव प्रकाश और बाबा के संबंधों का अतीत खंगाल रही है, ताकि वर्तमान की पहेली सुलझाई जा सके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।